अनु की माँ और अनु प्लान कर रहे होते हैं कि बीना को किस तरह घर से निकालना है और रूही को किस तरह काम वाली बनाकर ट्रीट करना है। असल औलाद ना होने की वजह से रूही को अहमियत देगा ही नहीं। रूही बाहर खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है और आकर बीना के पास बहुत रोती है कि ये लोग हम दोनों बहनों को बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं। मैं इनकी चाल को समझ ही ना सकी। मैं कितनी बेवकूफ़ थी, बड़ी बहन कहलवाने के लायक नहीं हूँ। वो खुद को मारती है, बीना रोकती है। फरहान की बिजनेस पार्टनर पूछती है, तुम्हारी बीवी को बुरा तो नहीं लगा तुम डिनर पर आए हो? फरहान झूठ बोल देता है, मेरी तो शादी मैं बहुत चूज़ी इंसान हूँ, अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए मैं बहुत सोचूंगा, फिर शादी करूँगा। रूही असद के साथ अपने बाप की कब्र पर आती है और बहुत रोती है। असद पूछता है, खैरियत तो है, क्यों इतना गिल्ट महसूस कर रही हो? रूही सोचती है, इसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, कौन सा यकीन करेगा। बीना की सास खाना मंगवाती है और कहती है, बीना तो खाना ही नहीं खा रही। अच्छा हुआ रूही तुम आ गई हो, इसे खाना खिला दो। और पहले बैठी धमकियां दे रही होती है उसे घर से निकालने की, नेत को सब कुछ बताने की। को देखते ही बात पलट देती है, मैं तो खाना खिला रही हूँ, इसे खा नहीं रही। अनु कहती है कि मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, कुछ मामा से लूँगी और कुछ सेविंग है, मैं कोई फ्लैट खरीद लूँगी। तुम परेशान ना हो, ये सब मैं मैनेज कर लूँगी, तुम अपने बिजनेस पर फोकस करो और कुछ नहीं। फरहान कहता, मैं कितना लकी हूँ जिसकी बीवी इतनी सपोर्टिव है। असद कहता है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई रूही से घर के पेपर्स लेते हुए। फरहान कहता, लाओ मुझे दे दो पेपर्स, मैं गिरवी रखवा देता हूँ घर। असद कहता है, नहीं मैं खुद बात कर लूँगा, मैंने कुछ लोगों से बात की हुई है। फरहान का गुस्सा आता है, मुझे पेपर क्यों नहीं दी? अनु आती है और अपनी माँ को कहती है कि मुझे आपकी ज्वेलरी चाहिए, कुछ मेरी या कुछ सेविंग है, मैं फ्लैट खरीद लूँगी, मेरी हेल्प तो करेंगे ना? उसकी माँ कहती है, हाँ ज़रूर, मैं क्यों नहीं, मेरी एक ही तो बेटी, हेल्प करूँगी मैं। अब सर चेक क्यों कर रही हैं, कहीं जाना है? कहती है, अनु को ज्वेलरी चाहिए, छोटी मोटी देकर बड़ी बैंक में रखवा दूँगी। रूही आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती है। बीना की सास कहती है, तुम इस घर से जाओ। बीना कहती है, मैं अपने घर जा रही हूँ। जुनेद कहता है, कैसे जाओगी? तभी रूही कहती है, वो घर तो हमने गिरवी रखवा दिया, तुम वहाँ नहीं जा सकती। अभी ने मेरे नाम किया था, उस घर का जो मर्जी करूँ, मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता ना रोक सकता है। असद अपनी माँ से पूछता है कि ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया है, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं खुश होने के बजाय? उसकी सास को इसलिए गुस्सा आता है कि बीना घर नहीं जा सकेगी छोड़कर। फारूक उमर को समझाते हैं कि जुनेद को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, वो बुरा इंसान नहीं है, भाई है तुम्हारा।